नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका AR Academy की यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम UP कैटेट के लिए और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव की सीरीज में आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका इकोनॉमिक्स का। किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसके फादर कौन है? तो वो है हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्री एंड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फिक्स फैक्टर कौन सा है, फ्री और फिक्स? तो वो है हमारा लैंड। जो हमारी भूमि होती है वो नेचर का फ्री गिफ्ट होती है और फिक्स फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। नेक्स्ट है लेबर इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर कौन सा फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर है, पैसिव फैक्टर है, फ्री फैक्टर है या फिक्स फैक्टर है? तो जो लेबर है वो हमारा एक्टिव फैक्टर है, एक्टिव रूप से कार्य करता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, तो हमारा एक्टिव फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है रिवार्ड ऑफ लैंड। जो लैंड होती है, भूमि होती है, उसका रिवार्ड क्या कहलाता है, उसका जो रिवार्ड होता है क्या कहलाता है? तो जो लैंड का रिवार्ड होता है वो हमारा कहलाता है रेंट। रेंट जो है हमारा लैंड का रिवार्ड कहलाता है। नेक्स्ट है रिवार्ड ऑफ इंटरप्राइज। कोई इंटरप्राइज या कोई बिजनेस है, उसका रिवार्ड हमें क्या मिलेगा, वो होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट जब हमें मिलेगा तो हमारा रिवार्ड कहलाएगा। और जो हमारा वेज होता है, मजदूरी होती है, वो हमारा लेबर का रिवार्ड होता है, किसका, लेबर का। और जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा कैपिटल का रिवार्ड होता है, किसका, कैपिटल का रिवार्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ रेंट इज गिवन बाय। जो रेंट की थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो इसका आंसर है हमारा रिकार्डो। रिकार्डो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ रेंट दी थी। नेक्स्ट है होल सेलर एंड रिटेलर आर। होल सेलर और रिटेलर जो होते हैं मार्केट में, वो किसके अंतर्गत आते हैं, विजिबल मार्केट के अंतर्गत, इनविजिबल मार्केट के अंतर्गत, दोनों या किसी के अंतर्गत? नहीं, तो जो होल सेलर और रिटेलर होते हैं वो मार्केट में एक्टिव रूप से काम तो करते हैं, लेकिन वो हमारा इनविजिबल मार्केट के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई मार्केट नहीं होता या कोई ये निश्चित नहीं होते। ये जितने भी मिडिल मैन हो गए, होल सेलर हो गए, रिटेलर हो गए, रतिया हो गए, या कमीशन एजेंट जो भी होते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, इनविजिबल मार्केट में। विजिबल मार्केट में कौन, हमारा लोकल मार्केट होगी, रीजनल मार्केट हो गई, विलेज मार्केट हो गई, ये सब जो मार्केट होती हैं वो हमारी आती हैं विजिबल मार्केट में। तो जितने भी कमीशन एजेंट एक प्रकार से होते हैं वो हमारा इनविजिबल मार्केट में आते हैं। नेक्स्ट है मार्केट इन विच सिंगल सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसी मार्केट जिसमें किसी एक प्रोडक्ट का एक ही बेचने वाला हो, सेलर हो, तो वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है मोनोपोली मार्केट। क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है उस वस्तु पर, उस बेचने वाले का, तो हमारा कहलाता है मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट है मार्केट फॉर अ सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट। जहाँ एक किसी वस्तु का सिर्फ एक ही बायर होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मोनोसोनी मार्केट। तो देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है, कि जो पॉली का मतलब होता है उस, वो हमारा रिलेटेड है किससे, वो हमारा सेलर से या बेचने वाले से रिलेटेड है। और जो मोनोसोनी सोनी है वो हमारा रिलेटेड है किससे, वो बायर से या ख़रीदने वाले से रिलेटेड है। तो चलिए, पॉली और सोनी का मतलब तो ये हुआ, और मोनो का मतलब एक। तो जहाँ पर एक बेचने वाला हो वो हमारा मोनोपोली कहलाएगा, और जहाँ पर एक ही ख़रीदने वाला हो सिर्फ, वो हमारा मोनोसोनी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्यू सेलर्स ऑफ अ कम्योनिटी। और जब फ्यू की बात आ जाती है तो वहाँ पर मोनो ना होकर ओलिगो आ जाता है, तो सेलर्स का मतलब वही होगा हमारा क्या, पॉली। तो वहाँ क्या हो जाएगा, ओलिगो पॉली मार्केट कहलाएगा, जहाँ पर फ्यू सेलर्स होंगे, कुछ लोग होंगे बेचने वाले, बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेकिन कुछ लोग, एक से ज़्यादा लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, वो हमारा कहलाएगा ओलिगो पॉली मार्केट। इसी तरह जहाँ पर सिर्फ कुछ खरीदने वाले होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, ओलिगो सोनी मार्केट। क्या कहलाएगा, ओलिगो सोनी। तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लार्ज सेलर्स डील्स हेट्रोजीनस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कमोडिटी। जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बेचने वाले होते हैं, और बहुत सारी वस्तुओं को वो डील करते हैं, कई हेट्रोजीनस अलग अलग तरह की वस्तुओं को उससे डील करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो ऐसी मार्केट हमारी कहलाती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्या कहलाती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। चलिए नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर फाउंड इन दिस मार्केट। इसमें ऐसी मार्केट क्या कहलाती है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो ऐसी मार्केट हमारी क्या कहलाएगी, प्योर मार्केट कहलाएगी। जहाँ पर किसी का किसी भी वस्तु पर कोई एकाधिकार नहीं होगा, ना बेचने वाले का ना खरीदने वाले का कोई भी एकाधिकार नहीं होगा, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी प्योर मार्केट कहलाएगी।
नेक्स्ट है हमारा पोर्शन ऑफ टोटल प्रोड्यूस आफ्टर एक्सक्लूडिंग नीड्स विच कैन बी सेल्फ कॉल्ड, जो हमारा टोटल प्रोड्यूस जैसे हुआ उसका ऐसा भाग जो हम बेच सकते हैं नीड्स को हटाते हुए, जैसे हमारा जैसे हमने कुछ प्रोड्यूस किया, 1 क्विंटल हमने प्रोड्यूस किया, उसमें नीड्स को हटा दिया, हमने खाने के लिए हटा दिया, अगले साल की बुआई के लिए हटा दिया, उसको हटाने के बाद जितना बचता है वो बेचने लायक भाग वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है मार्केटेबल सरप्लस। क्या कहलाता है? मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस विच इज यूज्ड फॉर सेल, ये तो हमारा मार्केटेबल सरप्लस हुआ जितना हम बेच सकते हैं, लेकिन उतना हम बेच के उतना हम ना बेच के कुछ जितना भाग बेचते हैं एक्चुअल अमाउंट जो होता है हमारा बेचने वाला जितना हम मार्केट में ले जा के बेच आते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मार्केटेड सरप्लस। देखिए इसमें जैसे हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, हमारे पास कुछ लिखने के लिए नहीं तो ऐसे बोल के समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमने कोई 100 किलो अनाज प्रोड्यूस किया, 100 किलो अनाज प्रोड्यूस करने के बाद उसको हमने 10 किलो हमने हटा दिया, किसके लिए? खाने के लिए हटा दिया, 10 किलो अगले साल बोने के लिए हटा दिया, तो लगभग 20 किलो हटा दिया, हमारा कितना बचा? 80 किलो। तो 80 किलो हम क्या कर सकते हैं, 80 किलो हम उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा 80 किलो जितना भी होगा मार्केटेबल सरप्लस। लेकिन हम अब जब हम मार्केट जाते हैं तो हम 80 किलो ना बेच कर हम 70 किलो ही बेचते हैं, 10 किलो और बचा लेते हैं, हमारे मन में कुछ आ जाता है बचाने के लिए तो हम 10 किलो और बचा लेते हैं, तो हम कितना बेचते हैं? 70 किलो। तो वो हमारा 70 किलो जो होगा वो क्या होगा? मार्केटेड सरप्लस, एक्चुअल अमाउंट जो हम वहाँ पर जाके बेच आए तो हमारा कहलाएगा मार्केटेड सरप्लस। तो इतनी सी बात है। नेक्स्ट है मार्केटेड सरप्लस जब मार्केटेबल सरप्लस से ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो जनरल होता है वहाँ पर मार्केटेबल सरप्लस जो है वो ज़्यादा होता है किससे? मार्केटेड सरप्लस से। लेकिन जब मार्केटेड सरप्लस ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए हमने 80 किलो अभी जैसे हमारा मार्केटेबल सरप्लस था कि 80 किलो हम बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में जाके हमें 90 किलो बेचना पड़ा, हमने जो 10 किलो अगले साल की बुआई के लिए रखा था वो भी ऐड करके बेच दिया, हमारे पास गरीबी ज़्यादा है या रुपए की किल्लत है इस वजह से हमने 90 किलो बेच दिया, तो हमारा ऐसा क्या कहलाएगा, वो हमारी कंडीशन कहलाएगी डिस्ट्रेस सेल। हमारे पास बेचने के लिए 80 किलो था लेकिन हमने अपनी ज़रूरत का भी 10 किलो और ऐड करके बेच दिया, तो वो हमारा कहलाएगा डिस्ट्रेस सेल। और डिस्ट्रेस सेल की कंडीशन में क्या होगा, जो मार्केटेड सरप्लस होगा वो मार्केटेबल सरप्लस से ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वांट टू पे एंड व्हाट वी एक्चुअली पे, किसी प्रोड्यूस के लिए या जो हम एक मतलब हमारे मन में है कि हम उसे 100 रुपये देना चाहते हैं लेकिन हमें उसे ज़्यादा देना पड़ता है, 110 देना पड़ता है, 120 देना पड़ता है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है, तो हमारा कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहलाता है वो? कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट है लोन फॉर 1 to 1.5 ईयर, 1 से 1.5 साल के लिए जो लोन लिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन। कम समय के लिए, 1 क्रॉप सीजन या 2 क्रॉप सीजन के लिए लेते हैं कम समय के लिए, तो हमारा कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन 1 से 1.5 साल के लिए। नेक्स्ट है लोन फॉर 5 to 30 ईयर्स, तो 5 से 30 साल के लिए जो लोन लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बहुत सारी अवधि के लिए हो गया ना, बहुत टाइम के लिए होगा, तो वो हमारा कहलाएगा लॉन्ग टर्म लोन। और इसके बीच में जो लोन होता है लगभग 5 साल तक के लिए या 5 साल से कम के लिए, वो हमारा कहलाता है मीडियम टर्म लोन। चलिए नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्स, तो रूरल क्रेडिट या गांव में जो क्रेडिट का सोर्स होता है, 2 सोर्स होते हैं, पहले तो एक इंस्टीट्यूशनल, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में जैसे हमारे बैंक्स आ गए और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आ गए, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्स। लेकिन और जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स भी होते हैं, जैसे हम लोग गांव में क्या होता है, किसान जो जमींदार होते हैं उनसे उधार लेते हैं या किसी और से उधार लेते हैं, शॉपकीपर से लेते हैं, किसी से भी मनी लेंडर से लेते हैं, वो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो गए। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है रूरल क्रेडिट का फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्स से, इंस्टीट्यूशनल सोर्स से कितना है, तो वो हमारा 36%, कितना 36%। और अगर वहीं बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से, तो वो है हमारा 64%। याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल सोर्स से है 36% और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से है 64%। चलिए नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक और मॉर्टगेज वाज इस्टेब्लिश, तो जो लैंड डेवलपमेंट बैंक थी वो हमारी लॉन्ग टर्म लोन के लिए बनाई गई थी सबसे पहले,
तो वो बनाई गई थी कब, 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी, कब, 1920 में। उसी को क्या कहते हैं, मॉर्टगेज भी कहते हैं। और ये सबसे पहले पंजाब में कहाँ हुई बनाई गई थी, लैंड डेवलपमेंट में पंजाब में, झांग नामक एक स्थान है पंजाब में, वहाँ पर 1920 में। नेक्स्ट है आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड, आरबीआई कब स्थापित हुई थी, तो आरबीआई जो स्थापित हुई थी वो हमारा 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और वहीं 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब, 1949 में आरबीआई का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है नाबार्ड और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेटअप ऑन, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला CACP, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस इस्टेब्लिश्ड इन, तो CACP का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, 1985 में CACP की स्थापना हुई थी। अगला है नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 कॉमर्शियल बैंक्स, जो प्रथम चरण में 14 कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 19 जुलाई 1969 में। अगला है डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण पूछा गया है एग्जांपल, तो जो इनकम टैक्स है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। और एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी की बात करें तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं, इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सेल्स टैक्स, मल्टी स्टेज सेल्स टैक्स का एग्जांपल कौन सा, तो वो है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। मल्टी स्टेज मतलब क्या होता है, कोई प्रोड्यूस जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो कई स्टेज तक गुजरता है और उसमें टैक्स लगता जाता है, तो वो हमारा कहलाता है मल्टी स्टेज टैक्स। उसमें वैल्यू के हिसाब से उसमें टैक्स बढ़ता जाता है, तो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है और ये मल्टी स्टेज टैक्स है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज इन अडॉप्टिंग वैल्यू एडेड टैक्स इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट जो प्रथम राज्य कौन सा जहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स या वैट को अपनाया गया, तो वो हमारा हरियाणा, हरियाणा ने सबसे पहले वैट को अपनाया था। नेक्स्ट है फार्मर विद लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड, यहाँ पर लैंड होल्डिंग के अनुसार जो हमारा ऑपरेशनल होल्डिंग होती है, जितने पे हम काम करते हैं जितनी लैंड पे, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो फार्मर 1 हेक्टेयर से कम लैंड रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं मार्जिनल फार्मर, लेस देन 1 हेक्टेयर मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट फार्मर विद 1 to 2 हेक्टेयर लैंड, जो 1 से 2 हेक्टेयर लैंड रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं स्मॉल फार्मर, मार्जिनल को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत कृषक। फिर फार्मर विद 1 to 2 हेक्टेयर लैंड स्मॉल फार्मर। और जो लास्ट है फार्मर विच है मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड, जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे लार्ज फार्मर। इसके बीच में दो और होते हैं सेमी मीडियम और मीडियम, जो 2 से 4 हेक्टेयर लैंड रखते हैं वो हमारे कहलाते हैं सेमी मीडियम, और जो 4 से 10 हेक्टेयर तक की लैंड रखते हैं वो हमारे कहलाते हैं मीडियम फार्मर। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो 1 हेक्टेयर से कम लैंड रखें वो हमारे मार्जिनल फार्मर, 1 से 2 हेक्टेयर तक रखें वो स्मॉल फार्मर, और जो 2 से 4 हेक्टेयर तक रखें वो सेमी मीडियम फार्मर, और जो 4 से 10 हेक्टेयर तक के लैंड रखें वो मीडियम फार्मर, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा रखने वाले हमारे कहलाते हैं लार्ज फार्मर। तो दोस्तों ये आज के लिए इकोनॉमिक्स में पहले पार्ट में इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट के फिर से दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप अच्छे से घर में रह के पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।